हम देखेंगे विज्ञान का, जीव विज्ञान का वह पार्ट जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, जीवों की जैविक क्रियाएं संचालित होती है, पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं पोषक तत्व, माइक्रो क्या होते हैं, वृहत अणु क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इनसे बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, SSC, व्यापम जैसे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम ले लें, इनसे क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते क्या हैं। वे पदार्थ जो जीवों में विविध प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब उन पोषक तत्वों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे माइक्रो मतलब वृहद अणु, माइक्रो मतलब सूक्ष्म अणु होता है बेसिकली, और मैक्रो मतलब होता है वृहद अणु, थोड़े बड़े आकार के अणु जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपको दोस्तों? दाल से मिलता है। जितनी भी दालें होती हैं उनसे आपको प्रोटीन मिलता है, आप दाल को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है विटामिन, क्या विटामिन को आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद वसा आपको कहाँ से मिलती है? जैसे आलू, जंक फूड जैसे आप समोसे वगैरह खाते हैं, इनसे आपको वसा मिलती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, रोटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद आपको इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा और लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। इसके बाद कार्बन के आधार पर इन्हें और दो भागों में बांटा जा सकता है। कार्बन तत्व के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांट सकता है? और दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आएगी या ऑर्गेनिक पदार्थ में कौन कौन सी चीजें आएगी? तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो यहां भी देखने को मिला आपको। दूसरा है प्रोटीन, वो भी यहां है। तीसरा है आपका वसा, वो भी यही है। चौथा यहां पर जुड़ जाता है विटामिन्स, क्या जुड़ जाता है? विटामिन्स। और पांचवा है न्यूक्लिक अम्ल, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अब यहां पर इनऑर्गेनिक में आपको, अकार्बनिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? खनिज लवण, क्या मिलेगा? खनिज लवण। और दूसरा है जल, दूसरा क्या है? जल मतलब वाटर। अब इनको हम इसी के आधार पर वन बाई वन स्टेप के आधार पर इनको समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों के सब्सटेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या समानता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले प्रोटीन जो आपको दिया गया है, लिखा गया है कि ये काय में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। अब दालों में भी कौन सी फैमिली है? ये लेग्यूमिनेसी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी फैमिली। जितनी भी सारी है बायोलॉजी में, उन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन सब्सटेंस से मिलकर क्या बनता है आपका? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है?